हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास का फिजिक्स का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कंटिन्यू करते हैं। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमें प्रोड्यूस करना है, किसका यूज करके? मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके, मैग्नेटिज्म का यूज करके। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, जो जनरेटर्स होते हैं ना वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था इसको? माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी इन 1831, दोनों ने सेपरेटली इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे, कैसे हम बताएंगे, कैसे प्रैक्टिकली हम शो कर सकते हैं कि टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए स्ट्रेट वायर एंड हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। तो हमने क्या किया, एक हॉर्सशू टाइप मैग्नेट लिया, राइट। सपोज ये उसका ये साइड जो है वो क्या है, इसकी नॉर्थ पोल है, नॉर्थ। ठीक है, और दूसरा जो है इसका यहां पर इसका हमने क्या दिखा दिया है, ये साउथ पोल है यहां पर हमारा। ठीक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहां भी लिख सकते हैं इसको नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। तो अब ये क्या एक ही मैग्नेट है, ये तो हमने शो करने के लिए इस तरह से करा, ये इस तरह से आकर के यू शेप में, यू शेप टाइप हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, एक वायर लिया, सपोज दिस इज द कंडक्टर, कंडक्टर वायर, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, जी, जी से डिनोट करते हैं गैल्वेनोमीटर को। क्या मेजर करता है गैल्वेनोमीटर? करंट मेजर करता है, करंट एमीटर से भी हम मेजर करते हैं, लेकिन जो एमीटर है वो डायरेक्शन नहीं बताता है। डायरेक्शन चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, किसी भी डायरेक्शन में हो वो एक ही तरह की रीडिंग देगा, है ना, कि जीरो से शुरू होगा और वन या टू एम्पियर जो भी है वो रीडिंग देगा। जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें क्या खास बात होती है, ये गैल्वेनोमीटर है, लाइक ये सेंटर जो पॉइंट होता है इसका, सेंटर पॉइंट क्या है, ये जीरो को शो करता है, और लेफ्ट में फिर रीडिंग्स होती हैं इसमें ऐसे ऐसे, राइट में भी रीडिंग होती है। यहां पर क्या है, जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये प्लस वन, फिर टू, फिर थ्री, इस तरह से करके दोनों डायरेक्शन में रीडिंग शो करता है। मतलब क्लॉकवाइज करंट होगी तो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव में दिखाएगा ये रीडिंग, ठीक है, एम्पियर में करंट दिखाएगा, और सेंटर में रहेगा, कोई करंट नहीं होगी तो सेंटर में रहेगा। ठीक है, जिसका नीडल होगा सेंटर में रहेगा। क्लॉकवाइज करंट तो ऐसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर माइनस में दिखाएगा रीडिंग। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ये गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, और इसको सर्किट में जो कनेक्ट करना है कैसे कनेक्ट करना है, जैसे हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करने का है हमें इसे सर्किट में। ओके, तो अब जैसे ये वायर है, इसका मोशन कैसे कराना है, जो मैग्नेट है उसके बीच में, मैग्नेट है उसके बीच में ऐसे ऐसे मोशन कराना है वायर का। ठीक है, तो जब इस वायर का मोशन कराते हैं तो देखते हैं, जब हमने अपवर्ड मोशन कराया तो गैल्वेनोमीटर जो था ये इसका जीरो रीडिंग है। ठीक है, ये नीडिंग था इसका कहां, जीरो पर। तो जब हमने एक डायरेक्शन में मोशन कराया, अपवर्ड मोशन कराया, तो करंट एक डायरेक्शन में हमें मिली यहां, ठीक है, इसके थ्रू, और जब अपोजिट डायरेक्शन में कराया, डाउनवर्ड कराया मोशन, तो क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, ऐसे करके प्रैक्टिकली हमने करके देखा, अप डाउन डायरेक्शन में तो क्या हुआ, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई। क्या जनरेट हुआ, वायर में जनरेट होगा करंट, कौन सा करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट। जैसे करंट है तो इस करंट को क्या कहेंगे, जो कि वायर के मोशन से, मैग्नेट के बीच में, मैग्नेट रखी हुई थी उसके बीच में वायर मूव कर रहा है, तो वायर में जो करंट जनरेट हो रही है वो क्या कहला रही है, इंड्यूस्ड करंट। उसको कैसे हम मेजर कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर के थ्रू, इट इज इंड्यूस्ड करंट। अब ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, उसके लिए क्या आने वाला है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी हमने लेफ्ट हैंड रूल पहले ही पढ़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड रूल, अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये किसके लिए है, चेक करने के लिए। क्या चेक होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से,
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से चेक होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता चलता है हमको। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपने जो राइट हैंड है उसको स्ट्रेच कीजिए, तीनों फिंगर्स को, थंब को और फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, ठीक है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को, फोर फिंगर भी बोलते हैं इनको, इस तरह से करके हम स्ट्रेच करेंगे, राइट। अब क्या क्या है आपको पता है, जो फोर फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, ये क्या बताता है, डायरेक्ट सेम है, सब सेम है, कोई चेंज नहीं है, जैसे कि लेफ्ट हैंड रूल में था। बस करंट को क्या कह दिया गया है, करंट को जो हम बोलेंगे मिडिल फिंगर शो करती है करंट को, तो करंट को मिडिल फिंगर जो शो करेगी, करंट ना बोल करके इंड्यूस करंट बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमें यहां से पता चल रहा है। ओके, अब क्या है सेकंड, जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, और जैसे जो थंब है हमारा वो क्या बताता है, मोशन, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसे फोर्स था, यहां पर क्या फोर्स हम लगा लेते हैं, यहां पर क्या मोशन, मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो मोशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके दिस इज द राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या चेक किया कि करंट तो प्रोड्यूस हो गई है, जैसे ही हम वायर को मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट तो प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन अब इसका डायरेक्शन हम पता करेंगे किसे, राइट हैंड, हम राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है, पहले देखिए करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये ना डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, मतलब ये जो डायरेक्शन है दिस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, ठीक है, ये शो कर रहा है फिंगर हमारा, जो फोर फिंगर है। फिर नेक्स्ट क्या शो करना है हमको, क्या मोशन जो है हमारा किस साइड में हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखें कि वायर को हम किधर की ओर मूव करें, इनिशियल में वायर का जो मोशन हो रहा है अपवर्ड, किधर की ओर मूव कर रहे हैं वायर को, अपवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो वायर है हमारा मोशन अपवर्ड है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली मोशन हमारा अपवर्ड हो गया है इसके अकॉर्डिंग। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहा है वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड दिखा रहे हैं, बैकवर्ड मतलब इधर से ऐसे, ठीक है, बैकवर्ड, ये मेरे में जो शो हो रहा है ना फिंगर में, आपके साइड में अपीयर नहीं हो रहा है, ठीक है, ये फिंगर है बैक में तो बैकवर्ड जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, जो डायरेक्शन हमने दिखाया है। यानी कि कैसे हो रहा है, जब मोशन अपवर्ड हो रहा है तो जो करंट हो रही है वो कैसे हो रही है, क्लॉकवाइज, ठीक है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहां पर, क्लॉकवाइज करंट है, अपवर्ड मोशन है तो क्लॉकवाइज करंट है। अब अगर यही मोशन क्या हो जाए, मोशन अपवर्ड के बदले क्या हो जाए, डाउनवर्ड मोशन, अब क्या हो रहा है सेकंड केस में, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे रहने वाली है, चेक कर लेते हैं उसको, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है, ये तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ही है मैग्नेटिक फील्ड, जो मोशन है थंब है वो किधर की ओर हो रहा है, ये मोशन हो रहा है डाउनवर्ड, तो मोशन हो रहा है आपकी ओर डाउनवर्ड, ठीक है, ये आ गया डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, नीचे थंब से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, तो ये नीचे की ओर करंट आ रही है आपकी बात, ठीक है, करंट कैसे नीचे की ओर, मिडिल फिंगर जो है ये शो कर रही है इंड्यूस करंट, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ये डाउनवर्ड ये करंट जा रही है ऐसे करके। तो कैसी करंट हो गई है इस बार में, आपकी बार जो मोशन रहा वो कैसा रहा, मोशन है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, मोशन डाउनवर्ड है, तो करंट किस डायरेक्शन में आ रही है, जो करंट का डायरेक्शन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट। एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट, ठीक है, यहां पर भी क्लॉकवाइज क्या है, इंड्यूस करंट था, आई मतलब इंड्यूस करंट। तो इस तरह से करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पता लगा सकते हैं, उसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी हमने यही डिस्कस कर लिया है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, डेफिनेशन आप आसानी से कर सकते हैं इसका, स्प्रेड योर फोर फिंगर थंब एंड मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच अ वे दैट योर व्हाट फोर फिंगर describes the direction of magnetic field and thumb describes the direction of motion, right?
द डायरेक्शन इन विच द मिडिल फिंगर पॉइंट्स इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, राइट। तो इस तरह से आप करके फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल राइट कर सकते हैं, इजी है क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल आपको आता है तो राइट हैंड रूल इजी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग कॉयल एंड बार मैग्नेट। एक कॉयल और बार मैग्नेट यूज करके कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करने का है हमको। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि जो मैग्नेट था, मैग्नेट यू शेप, वो तो अपनी जगह पर क्या था, फिक्स था, वहां वायर को हम मूव कर रहे थे। ओके, इस केस में क्या है, मैग्नेट मूव करेगा, कॉयल फिक्स रहेगा। सपोज क्या था, ये हमारे पास में कॉयल है, ठीक है, इस तरह से करके कॉयल है, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है सीरीज में, राइट। अब क्या होने वाला है यहां पर कि हमने एक बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट को, दिस इज द बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट, इसमें हम मोशन करा रहे हैं इसका। तो कैसे मोशन हो रहा है इसका, जो बार मैग्नेट को हमने क्या किया, अंदर की ओर पुश किया, इनवार्ड किया, इनवार्ड मोशन। इनवार्ड मोशन में देखा क्या, हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो सेंटर पोजीशन थी इसकी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जैसे ये इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो गई है, ऐसे करके करंट जा रही है नीचे की ओर, ठीक है, राइट। जब हमने बार मैग्नेट पहले क्या था, बाहर था, हमने अंदर की ओर जैसे पुश करा ना, तो यहां पर हमें सिग्नल दिखाई देगा एकदम से, ठीक है, जो स्टैंडर्ड पोजीशन होगी गैल्वेनोमीटर की, वो अपने पोजीशन से सिग्नल देगा हमको, ठीक है, इंडिकेशन देगा कि एक डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हुई है। फिर जब हमने अभी अंदर की ओर पुश किया था, अब हम पुल करेंगे बाहर की ओर, आउटवर्ड मोशन होगा, तो क्या रहने वाला है उसमें, गैल्वेनोमीटर है ये, अब की बार जो मैग्नेट का मोशन किधर की ओर आ, मैग्नेट को हमने बाहर की ओर निकाला, ठीक है, मैग्नेट का क्या है, आउटवर्ड मोशन है, आउटवर्ड मोशन। जब आउटवर्ड मोशन है तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अभी जैसे यहां पर डाउनवर्ड आ रही थी करंट, अब अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर करंट प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है, इस तरह से करके करंट, तो आउटवर्ड मोशन होगा, तो ये अब कंडीशन क्या रह रही है, कॉयल फिक्स है, ठीक है, कॉयल क्या है, फिक्स है, केवल क्या मूव कर रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है, जो हमने मैग्नेट लिया बार मैग्नेट, वो इनवर्ड और आउटवर्ड मोशन हम कर रहे हैं, तो जैसे इनवर्ड मोशन होता है तब भी करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, करंट प्रोड्यूस होगा, सेकंड्स के भी बहुत ही मिली पार्ट में करंट प्रोड्यूस होगी, एकदम से इंडिकेशन होगा फिर जीरो हो जाएगा, फिर आउटवर्ड मोशन होगा तो फिर करंट आएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है, जब तक मोशन होता रहेगा, जैसे मोशन किया तो इंडिकेशन आएगा लेकिन फिर जीरो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो बार बार मोशन होना होगा उसके लिए, तो लगातार करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, जो कि प्रिंसिपल हमारा जो कहां पर यूज होता है, जनरेटर्स में यूज होता है। ओके, तो दिस इज नोन एज द इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग कॉयल एंड बार मैग्नेट को यूज करके। अब इसको ज्यादा स्ट्रेंथ में कैसे हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए। अब इससे हमें समरी क्या पता चल जाता है, तो हमें समरी ये पता चल रहा है, पहले हमने कॉयल को फिक्स रखें, मैग्नेट को मूव करें, तब भी करंट प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या किया था हमने, कॉयल फिक्स, मैग्नेट इज मूविंग, देन करंट इज इंड्यूसिंग, राइट। सेकंड केस, वी आर जस्ट होल्डिंग द मैग्नेट, फिक्सिंग द मैग्नेट एंड मूविंग द कॉयल। अब कॉयल को भी मूव करेंगे ना, इन द सेम केस मीन्स इंड्यूस करंट फर्दर विल बी प्रोड्यूस, इंड्यूस करंट उस कंडीशन में भी प्रोड्यूस होने वाली है जबकि हमारी क्या, कॉयल मूव करेगी और मैग्नेट फिक्स रहेगी, ठीक है। और फर्दर क्या कंडीशन आती है कि प्रोड्यूस जरूर होगी लेकिन तुरंत क्या हो जाएगा, करंट गैल्वेनोमीटर में जीरो आ जाएगा, जैसे मोशन होगा तो करंट शो होगा, अदरवाइज फिर जीरो कंडीशन आ जाएगा, थर्ड केस ही आता है। और फोर्थ केस क्या आ जाता है कि जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा, जैसे कि हमारा जो मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा मैग्नेट के या कॉयल के, तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट भी चेंज हो जाने वाला है। तो ये फोर पॉइंट्स हैं बेसिकली जो रहने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, राइट। अब इंड्यूस करंट का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं,
मैग्नेट पावरफुल मैग्नेट लें, ठीक है। दूसरा ठीक है मैग्नेटिक इफेक्ट जो ज्यादा रहना चाहिए, मैग्नेट का जितना ज्यादा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। सेकंड जो कॉयल है जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे ना कॉयल में उतना ज्यादा जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है, जितने ज्यादा टर्न्स रहेंगे। और फर्दर कॉयल की जो वाइंडिंग करनी है वो किस पर करनी है, सॉफ्ट आयरन पर करनी है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या होता है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज फास्ट होता है, ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन यूज करने का। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे कि कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे दो टॉपिक्स और बचते हैं, एक तो एसी और डीसी जनरेटर जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और एक जो होम सर्किट होता है उसमें कैसे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई रखते हैं। तो एक तो नेक्स्ट टू लेक्चर और रहने वाला है, देन द चैप्टर विल बी ओवर। एक्चुअली चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो आप पॉइंट वाइज पॉइंट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको अच्छे से समझते रहें, लर्न करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर टुडे।